श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बच्चों क्लास 12 मैट्रिसेस जैसे कि यहाँ पे चल रहा है, उससे पहले भी हमने बच्चों इसमें तीन पार्ट्स वीडियो बनाए हुए हैं, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, और बहुत ही बेहतरीन वीडियो है बच्चों। और यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है बच्चों, ये भी बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, बस हमारे साथ बने रहिए बच्चों। देखिए आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है ना। मैट्रिसेस में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे आज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं बच्चों, अगर इनके बारे में पढ़ना है, क्योंकि इसके बिना तो आप मैट्रिक्स के जो सवाल लगाते हैं ना वो अधूरे हैं बच्चों, क्योंकि पूरी जानकारी तो आपको है नहीं, तो आप जब भी लगाएंगे तो आपके गलत होने के चांसेस ज्यादा होंगे बच्चों। इसलिए ये वाला पार्ट काफी महत्वपूर्ण होने वाला है बच्चों, इसलिए हाँ इसमें लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को कहीं भी स्किप मत करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों, इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना है बच्चों कि जो मैट्रिक्स होता है वो कैपिटल लेटर में ही डिनोट किया जाता है। मैंने यहाँ लिखा हुआ है ए, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू, और आप देख सकते हैं यहाँ एक मैट्रिक्स का सिंबल बना हुआ है, अंदर लिखा है ए आई जी और उसके बाद बाहर लिखा है एम क्रॉस एन। तो ये क्या चीजें हैं बच्चों, तो आपको समझना होगा ए आई जी जो होता है वो मैट्रिक्स के अंदर के एलिमेंट्स को बताता है कि कौन सा एलिमेंट किस पोजिशन पे आ रहा है। जैसे मान लीजिए बच्चों हमने आई की जगह वन लिया, ठीक है, और जे की जगह भी वन लिया, तो इसका मतलब ए वन वन हो गया। और आप कोई भी मैट्रिक्स यहाँ ले लीजिए, अब देखिए ए वन वन का मतलब ये वाले मैट्रिक्स में देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको हम लोग रो पढ़ते हैं, क्योंकि आई एथ, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, आई का मतलब आई एथ रो और जे का मतलब जे एथ कॉलम होता है बच्चों, एम का मतलब रो और एन का मतलब कॉलम्स होता है बच्चों। तो आपको ध्यान रखना है ए वन वन का मतलब हो गया, अगर मैंने आई भी वन लिया जे भी वन लिया तो इसका मतलब ए वन वन हो गया। और ए वन वन अगर इस मैट्रिक्स में देखें तो पहला एलिमेंट है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या है वन। इसी तरह से मान लीजिए बच्चों हमने वन टू ले लिया, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट फोर है। तो इस तरह से ये आईजी बताता है ऑल एलिमेंट्स के बारे में, क्या बताता है, ऑल एलिमेंट्स बिलोंग्स टू द मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो जो मैट्रिक्स के अंदर के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो एआईजी के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों एन क्रॉस एन आप कहेंगे क्या है, तो एन क्रॉस एन बच्चों ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आपको ये पता करना है कि कितने रो हैं कितने कॉलम्स हैं, देन पहले रो लिखना है उसके बाद कॉलम लिखना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ पे थ्री रो है, ठीक है, तो कॉलम कितने हैं टू, तो थ्री क्रॉस टू का मैट्रिक्स है, यानी ऑर्डर हो गया थ्री क्रॉस टू। अब इधर देख सकते हैं बच्चों टू रो है और थ्री कॉलम्स है, ये टू क्रॉस थ्री की मैट्रिक्स है, तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा बच्चों। अब हम क्या है ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं। तो बच्चों ये तो हो गया एक मैट्रिक्स का फॉर्म, द मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए इज कॉल्ड अ ट्रांसपोज ऑफ ए, इट इज डिनोटेड बाय ए डैश और ए टी। बच्चे यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी मैट्रिक्स जब होती है ना, तो उसके जो रो के एलिमेंट्स होते हैं उसको कॉलम में लिख दीजिए, रो के एलिमेंट्स को कॉलम में लिख देंगे ना तो वो क्या बन जाएगा, वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स बन जाएगा, और उसको बोलते हैं ए डैश या फिर ए टी, ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूँ कि कोई मान लीजिए ये मैट्रिक्स है आपके पास, ठीक है, और याद रखिएगा ट्रांसपोज मैट्रिक्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डैश और टी से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें कितने रो हैं बच्चों, वन टू थ्री, थ्री रो हैं एंड टू कॉलम्स है बच्चों, ठीक है, थ्री क्रॉस टू की मैट्रिक्स है बच्चों। अब हमें क्या करना है, जैसे फर्स्ट रो है तो अब हम इसका ए का ए डैश निकालेंगे बच्चों, ट्रांसपोज निकालेंगे, ए का ट्रांसपोज हो जाएगा ए डैश या फिर ए टी भी लिख सकते हैं। तो देखिए जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम में लिख दीजिए, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख दीजिए, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख दीजिए, और देखिए ऑर्डर कैसे चेंज हो गया, देखिए यहाँ पे क्या है एक वन रो और यह है सेकंड रो, तो टू और कॉलम देखिए थ्री है तो टू क्रॉस थ्री, यानी ऑर्डर भी चेंज हो जाता है बच्चों, थ्री क्रॉस टू से बन गया टू क्रॉस थ्री, ये भी इंटरचेंजिंग हो जाएंगे बच्चों, ध्यान रखिएगा। क्योंकि आपको पता है कि रो और कॉलम जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है उसमें रो और कॉलम्स क्या होते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं, इतना ही समझ लीजिए, बहुत जरूरी है। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स की बात हो गई बच्चों, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है बच्चों, सबसे पहला नंबर है ए डैश का डैश। अब आप कहेंगे ये क्या है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है बच्चों, डैश का मतलब ट्रांसपोज हो गया, तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मतलब वापस मैट्रिक्स आ गई बच्चों, वापस क्या आ गई मैट्रिक्स आ गई। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास ये ए मैट्रिक्स है और जब आपने इसका ए डैश निकाला तो आपने रो वाले वैल्यूज को कॉलम में लिखना शुरू कर दिया, ठीक है, उसके बाद वापस ए डैश का फिर से डैश निकालेंगे ना बच्चों, तो जितने भी रो हैं उसको फिर से कॉलम में लिखेंगे तो यही फिर आ जाएगा, यानी वापस ए डैश का डैश किया तो आपसे वापस मिल गया मैट्रिक्स यानी ए मिल गया, ठीक है ना। तो ये पहली प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई। सेकंड देखते हैं बच्चों,
क्या लिखा है के ए। अब ये बोलिए जैसे ए मैट्रिक्स है उसमें कोई भी के यानी कि स्केलर वैल्यूज होता है और उसमें अगर हम कोई भी नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे ना तो बच्चे ध्यान रखिएगा मैट्रिक्स में यदि आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स में नॉट डिटरमिनेंट मैट्रिक्स अगर आप मैट्रिक्स में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं देन वो पूरे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होता है। बच्चों एक मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सब में मल्टीप्लाई होते हैं, समझ में आ गया ना। तो आप अगर मान लीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 का यहां होगा मल्टीप्लाई 2 का यहां 2 का यहां 2 का यहां 2 का यहां 2 का यहां। अब उसमें क्या होता है ना बच्चों देखिए कह रहा है के ए का डैश तो इसमें जो के होता है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो बाद में 2 फिर भी 2 जो है फिर से कॉमन हो जाएगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मैट्रिक्स होगा उसका उसका तो ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा 3x2 से 2x3 बन जाएगा और जो 2 है वो तो कॉमन हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका मतलब है कि के पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैट्रिक्स में फर्क पड़ेगा ए से ए डैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा ए डैश हो जाएगा। तो ये ना करिएगा कि के पे डैश लगा दिया है। के तो कोई संख्या है नंबर है 2, 3, 4, 5 और वह ऐसे नंबर है जो कि आपके मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होंगे तो देन तो पूरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होगा ना उसका तो के का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये ध्यान रखिएगा केवल ट्रांसपोज बनता है ए का तो ए डैश हो जाएगा ठीक है। उसके बाद ए प्लस बी का डैश ये क्या होगा बच्चों तो देखिए ए और बी अगर हम सोचेंगे कि जोड़ दें ऐसा नहीं है आप देखिए इसको डेफिनेशन के थ्रू कैसे लगाया जाता है कि ए प्लस बी का अगर डैश लगा है पूरे पे डैश लगा है तो बच्चों इसको अलग अलग डैश लगा सकते हैं यानी अलग अलग दोनों के ट्रांसपोज के सम के इक्वल हो जाएगा ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी क्या है बच्चों ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए ए बी का डैश लगा है दो मैट्रिक्स का अगर प्रोडक्ट किया गया है और उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकाला गया है तो बच्चों एक सीधा सा आप रूल लगा दीजिएगा कि बी डैश यानी बी का जो ट्रांसपोज होगा वो आप निकाल लीजिए और जो ए का ट्रांसपोज होगा वो निकाल लीजिए और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए देन आपका ये वैल्यूज के इक्वल आ जाएगा बच्चों। तो याद रखिएगा कभी भी ए बी का डैश लिखा है तो आप बी डैश ए डैश लिख सकते हैं यानी बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। लेकिन आप ए डैश बी डैश लिख देंगे बच्चों तो गलत हो जाएगा आपका सवाल ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाती है बच्चों क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे उसको ए डैश और बी डैश लिख देंगे इस चीज को तो ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। आप चाहे तो इसमें ए और बी टू मैट्रिक्स आप लेकर इंटू करिए फिर ट्रांसपोज निकालिए देखिए यही चीज आपको वेरीफाइड होगा यानी लेफ्ट राइट के इक्वल आ जाएगा बच्चों। तो याद रखिएगा हमेशा पहले बी डैश फिर ए डैश लिखना है क्योंकि जो मैट्रिक्स होता है उसमें आप नंबर्स मैट्रिक्स का इंटरचेंजिंग जब प्रोडक्ट करते हैं जैसे ए से बी का किया आपने फिर बी से ए का करेंगे तो कभी भी इक्वल नहीं आते बच्चों ये ध्यान रखिएगा ठीक है ना। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या बात करेंगे बच्चों जैसे कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लीजिए मान लीजिए ए आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है आप कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है तो बच्चों इसमें एम और एन इक्वल होते हैं जिसका ऑर्डर इक्वल होता है जैसे 2x2, 3x3, 4x4 ये हमारे क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है बच्चों यानी रो और कॉलम्स इक्वल होते हैं फिर वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है वो हमने पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे ये लिखा है ए आई जे एन क्रॉस एन या एन क्रॉस एन तो बात एक ही ना हुई आप देख सकते हैं ये दोनों वैल्यू सेम है इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए आई जे अंदर के एलिमेंट्स को बताता है इज कॉल्ड सिमेट्रिक। कब होगा बच्चों सिमेट्रिक जब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो वापस हमको क्या देगा वो मैट्रिक्स वापस आ जाएगी बच्चों वो मैट्रिक्स ए डैश का देखिए ए डैश निकाला और किसके ऊपर आ गया ए की तो वापस वही मैट्रिक्स आ गया। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि जब आप कोई मैट्रिक्स लेते हो मान लीजिए मैट्रिक्स के अंदर का एलिमेंट आपने A12 लिया जे की जगह 1 ले लिया आई की जगह 2 ले लिया A12 तो अंदर का जो एलिमेंट होगा वो बदल जाएगा बच्चों A21 हो जाएगा यानी ए जे आई से ए आई जे हो जाएगा ये चीज आपको समझना है ठीक है। तो फॉर एग्जांपल बच्चों जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स आपके पास गिवन है और इसका ऑर्डर देखिए 3x3 है स्क्वायर मैट्रिक्स है और स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए ना क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाल रहे हैं यहाँ लिखा भी है तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो हो गया बच्चों। अब देखिए इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो को क्या लिखेंगे कॉलम में लिखेंगे देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में सेकंड रो को सेकंड कॉलम में थर्ड रो को थर्ड कॉलम में तो आप देख सकते हैं ए डैश मिल गया हमको ए डैश मिल गया लेकिन जो ये डैश मिला है ये वापस आ गया देखिए ना 2, 3, 4, 3, 1, 5, 4, 5, -1 और इसका ऑर्डर अभी भी 3x3 है लेकिन ये वापस एक इक्वल आ गया तो बच्चों ने लिख दिया A' = A इसलिए हमने यहाँ पे डेफिनेशन देखो ब्रैकेट किया हुआ है क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये मेन डेफिनेशन होती है A' = A। उसके बाद बात करेंगे बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। अब आप कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है तो अस्क्वायर मैट्रिक्स मान लीजिए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर n क्रॉस n है ठीक है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक का बनाएगा जब
ए डैश का इज इक्वल टू बन जाए माइनस ए, यानी वापस तो आएगा ये, लेकिन बच्चों केवल और केवल माइनस का फर्क होगा, यानी सारे एलिमेंट्स में माइनस का डिफरेंस होगा, वो माइनस आप कॉमन करेंगे देन वो वापस ए मैट्रिक्स लिख जाएगा। आप देखिए ए डैश इज इक्वल टू क्या है, माइनस ए, ये दोनों ही आपको ध्यान रखने हैं बच्चों, ठीक है। तो ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए, ए कैसे बनेगा, आप देखिए यहाँ पे ए जे आई, आपने अगर ए वन टू लिया है तो ए टू वन तो आएगा लेकिन उसमें माइनस आपका कॉमन रहेगा क्योंकि वैल्यूज में नेगेटिव वैल्यूज का फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये चीज यहाँ पे बताई गई। मान लीजिए बच्चों अगर मान लीजिए दोनों एलिमेंट सेम लिया आपने, आई भी मतलब ए वन वन ले लिया तो क्या होगा, ए वन वन ले लिया तो यहाँ भी ए वन वन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आई भी वन है जे भी वन है, तो ए वन वन जब इधर लाएंगे तो ए वन वन के साथ जुड़कर टू ए वन टू ए वन वन हो जाएगा। और हमने यहाँ कुछ बताया है बच्चों, देखिए आई की वैल्यू जे के अगर इक्वल है तो आई की जगह सॉरी जे की जगह भी हमारा क्या लिख जाएगा, आई लिख जाएगा, तो ए आई ए आई ए आई ए आई ए आई उठा के इधर ले आएंगे टू ए आई हो जाएगा, टू ए आई आई हो जाएगा बच्चों, और टू चला जाएगा जीरो में क्योंकि इधर राइट में जीरो बचेगा, तो ए आई आई की वैल्यू क्या हो गई जीरो। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि ए आई आई का मतलब बच्चों अगर हम मान लीजिए आई वन लेते हैं तो वन वन हो जाएगा और टू लेंगे तो टू टू हो जाएगा, यानी इस सारे वैल्यूज क्या होने वाले हैं जीरो होने वाले हैं, इसका डायगोनल वैल्यूज क्या होने वाला है जीरो होने वाला है। मेन इसकी पहचान यही है बच्चों, देख लीजिए आप, यही है मेन पहचान कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसका जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सारे जीरो ही रहते हैं, क्योंकि ये सेम वाले एलिमेंट्स को क्या रखता है जीरो रखता है बच्चों। यहाँ पे हमने आपको अच्छे से समझाया भी है कैसे, ए जे आई लिख लीजिए चाहे ए आई जे लिख लीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे फिर आपको इंटरचेंज करना पड़ेगा, देन यहाँ माइनस आपको लगाना है, माइनस इसलिए लगाना है क्योंकि आप देख सकते हैं अगर यहाँ टू है तो यहाँ पे माइनस टू है इसका एलिमेंट्स, देख सकते हैं ना, तो वही चीज यहाँ पे हमें उसके एलिमेंट्स में डिफरेंस दिखाना होता है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, आई को जे के इक्वल किया तो ए आई आई होने की वजह से इधर आ जाएगा टू ए आई आई हो जाएगा और टू तो चला जाएगा जीरो में, तो ए आई आई की वैल्यू जीरो होने का मतलब है कि जो प्रिंसिपल डायग्राम होगा बच्चों वो सारे क्या हो जाएंगे जीरो हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए बच्चों, ए मैट्रिक्स आपके पास है, ए डैश पहले निकालेंगे तो उसमें हम रो को क्या लिखेंगे कॉलम में, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम और ए ट्रांसपोज निकाला है। अब बच्चों हमने देखा कि यार ये तो वैल्यूज में नेगेटिव का फर्क हो रहा है, देखिए माइनस थ्री से माइनस थ्री से प्लस थ्री माइनस टू से प्लस टू इस तरह से अदर एलिमेंट्स हो रहे हैं, तो हमने इसमें से माइनस कॉमन किया। और आपको पता है बच्चों ना, अगर मैट्रिक्स में से अगर आप माइनस कॉमन करें या किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो पूरे मैट्रिक्स में होता है, उसका असर पूरे मैट्रिक्स के एलिमेंट्स में होता है। तो हम क्या करेंगे, माइनस यहां से कॉमन करेंगे बच्चों, क्या करेंगे माइनस कॉमन करेंगे, देखिए माइनस बाहर आ गया तो इस माइनस का इनटू अब हम सभी में करेंगे, देखिए जीरो जीरो में कोई मल्टीप्लाई कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस प्लस बन गया, प्लस माइनस बन गया, प्लस माइनस बन गया, जीरो जीरो ही रहा, माइनस प्लस बन गया, ये क्यों हो रहा है, माइनस कॉमन कर लिया ना, किस लिए हो रहा है, तो ये वैल्यूज देख सकते हैं ये वापस आ गया बच्चों, देख लीजिए ये वाली जो मैट्रिक्स है ये वापस आ गई, इसको हम लिख देंगे माइनस और ये हो गया ए, यानी ए डैश, देखिए ए डैश ही तो चल रहा था इधर, ये वैल्यू इक्वल है ना, ए डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, ए डैश इज इक्वल टू हो गया माइनस ए, ए डैश इज इक्वल टू, ये देखिए ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए हो गया, इसका मतलब ये हमारा क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो उम्मीद है बच्चों आज हमने जो बताया आपको वो काफी अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम और भी आगे सवाल लेकर आएंगे बच्चों, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर आएंगे, हमारे साथ बने रहिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बच्चों, ठीक है ना।